हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी टीम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुकी है जिसका हेडिंग है घोड़े और हिरन की कहानी। हम इस कहानी को अच्छी तरह से समझने वाले हैं लाइन वाइज लाइन। ये क्लास सेवन की जो सॉरी क्लास सिक्स की जो बुक है अपनी ज़बान, इसका चैप्टर नंबर 9 है। हज़ारों साल पुरानी बात है, एक हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी। एक बार किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया, मारपीट की नौबत आ गई। हिरन हल्का फुल्का और फुर्तीला था, उसने उछल उछल कर घोड़े को पीटा। मारपीट में घोड़े को बहुत चोट आई, उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। घोड़ा कुछ न कर पाया और हिरन मारपीट कर चलता बना। घोड़े को बहुत गुस्सा आया, उसने सोचा हिरन से बदला लेना चाहिए, लेकिन बदला ले तो कैसे। बहुत दिनों तक जंगल में मारा मारा फिरता रहा। एक दिन उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो तीर कमान लिए शिकार की तलाश में फिर रहा था। घोड़े ने पूछा, भाई आदमी, तुम जंगल में अकेले क्या करते फिर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में हूँ। घोड़े ने कहा, अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूं तो क्या तुम उसे मार दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है, शिकारी ने कहा। अब तो घोड़ा खुश हो गया, उसकी समझ में एक तरकीब आ गई। उसने शिकारी से कहा, इस जंगल में एक हिरन रहता है, तुम चाहो तो उसको मार सकते हो। शिकारी ने कहा, मारने को तो मैं मार दूं, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं उसके पीछे कैसे दौड़ सकता हूं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसे मार दूं। घोड़े ने कहा, मैं तैयार हूं, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। शिकारी ने कहा, मुझे अपने पीठ पर बिठा लो और वहां ले चलो जहां वह हिरन रहता है। घोड़े ने शिकारी को अपने पीठ पर बिठा लिया तो शिकारी ने कहा, भाई घोड़े, एक बात सुनो, अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डाल लूं। लगाम से क्या होगा, घोड़े ने पूछा। शिकारी ने कहा, लगाम से ये फ़ायदा होगा कि जिस तरफ हिरन नज़र आएगा मैं उसी तरफ लगाम मोड़ दूंगा, तुम उधर चल पड़ना, फिर मैं उसे अपने तीर का निशाना बना दूंगा। घोड़ा तो हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। उसने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में लगाम डाल दो। शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि हिरन नज़र आया। घोड़े ने कहा, यही वह हिरन है, तुम उसे मार दो। शिकारी ने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया। घोड़ा तेज़ तेज़ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शिकारी ने तीर चलाया, तीर हिरन के सीने पर लगा। हिरन ने भागने की कोशिश की लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। अब घोड़े ने इत्मीनान का सांस लिया कि उसका दुश्मन मारा गया। उसने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया, अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। शिकारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार मिला और उसके साथ एक और फ़ायदा भी हुआ। घोड़े ने पूछा, क्या फ़ायदा? शिकारी ने कहा, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम इतने कार आमद हो, मतलब तुम इतने काम के चीज़ हो, अब पता चला है कि तुम तो बड़े काम के जानवर हो। ये कहकर उसने लगाम खींची। घोड़ा बेचारा बेबस हो गया, करता तो क्या करता। शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया। वह दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली। और घोड़े का काम ही यह है कि वह आदमी को अपने पीठ पर बिठाए फिरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपस का लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।